अगर आप भी इस सवाल को बार बार पूछते हो किसी किसी से कि फोकस कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मेमोरी को बढ़ाया जाए, कैसे मेमोरी को इंटेंस किया जाए, और आपको लगता है कि आप अपना कोई काम पूरी तरह से नहीं कर पाते हो अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंगली, और अगर आप इस तरह की सिचुएशन में काम करते हो जहाँ पे डेडलाइन में काम करना होता है और आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, चाहे वो ईमेल से, चाहे वो व्हाट्सएप पे, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाटएवर इट मे बी, तो ये वीडियो आपके लिए है। कि ये दवाई खाइए, ये सिरप पीजिए, इस पेड़ की जड़ें खाइए, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, तो इस तरह के ट्रैप में मत फंसिए। अगर कोई मेडिकेशंस के बारे में बताता है, जो लाइफस्टाइल मेडिकेशन की बात होती है, तो इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या एक ऐसा तरीका होगा जिसकी वजह से हम, जिसकी हेल्प से अपना फोकस बढ़ा पाएं? देखिए, दुनिया में अलग अलग टेक्निक्स की बात करी गई है, लेकिन एक टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, जो सबसे ज़्यादा जिसका नाम लिया जाता है, वो है पोमोडोरी टेक्निक। पोमोडोरी टेक्निक जिस भी इंसान ने बनाई थी, उसने ये सोचा था, क्योंकि उसके जो काम करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, वो फोकस नहीं कर पा रहा था। अचानक से एक दिन उसने देखा एक टाइमर, और वो जब जो जैसे किचन में हम लोग सब्जियाँ चॉप करते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने काम को भी चॉप करके ही करें। तो ठीक वैसे ही उसने इस बात को बताया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा टास्क है उसको हम चॉप करके अलग अलग जो है हिस्सों में बना लेते हैं, कि एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। तो हम क्या करते हैं, पोमोडोरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पोमोडोरी टेक्निक क्या होती है कि 25 मिनट हमको फोकस लगा के वो काम करना है। वो काम आपका होमवर्क भी हो सकता है, वो आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आप जिस पे काम कर रहे हो। 25 मिनट एक टाइमर लगा के अपने मोबाइल में लगाइए, या अपना एक अलार्म लीजिए, सब कुछ बंद करके आप टाइमर लगाइए, उस टाइमर में के अनुसार 25 मिनट तक आप अपना काम कीजिए, और जैसे ही अलार्म बजेगा उसके ठीक बाद तुरंत बाद अपना काम बंद कर दीजिए, और 5 मिनट के लिए करिए रिलैक्स। रिलैक्स करने के अलग अलग तरीके हैं, आप अपनी मर्जी से भी कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। कुछ जो तरीके जो मुझे लगता है जो बहुत कारगर हैं, जैसे कि आप आराम से चेयर पर बैठिए, थोड़ा पीछे की तरफ होके, और लंबे लंबे सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़ लीजिए, मुंह से छोड़िए। जब आपके सांस अंदर या बाहर आ रही है उसको महसूस कीजिए, उसको नोटिस कीजिए। ये तरीका आपको ठीक नहीं लगता है तो आप जो है फर्श पर चलेंगे तो आप महसूस कीजिए अपने पैरों को, कि आपके पैर जो है फर्श पर टच हो रहे हैं। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जो है एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई गई है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, फोकस करने के लिए। उसके बाद में 5 मिनट के ब्रेक के बाद में आप बैठिए, फिर से एक पोमोडोरी की 25 मिनट की, और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि वो ठीक ठाक फोकस कर पाते हैं लेकिन लंबे टाइम तक नहीं कर पाते, वो 50 मिनट का पोमोडोरी कीजिए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरह से आप 10 पोमोडोरी कर सकते हैं एक दिन में, यानी कि 250 मिनट। और 250 मिनट का मतलब ये है कि लगभग चार सवा चार घंटे। और एक इंसान अगर 4 सवा 4 घंटे लगातार फोकस होकर काम करता है, तो आप समझिए कि उसकी आउटपुट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने ईमेल्स वगैरह सब कुछ बंद करके फिर ये काम करना है। और ब्रेक जो है वो ऑप्शनल नहीं है, वो लेना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि कभी ले लिया कभी नहीं ले लिया, ब्रेक आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा एक और बात रहेगी, बहुत बार क्या होगा कि आप काम कर रहे हो, 20वें मिनट में आपको लगेगा कि बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, अब मैं ब्रेक नहीं लूँगा, इसी को कंटिन्यू करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। चाहे कितना ही मज़ा आ रहा हो आपको काम करने में, या चाहे कितना ही बोर हो रहे हो आप काम करने में, आपको 25 मिनट तक करना ही करना है। और उसके एग्जैक्टली 25 मिनट के बाद में जब आपका अलार्म बजेगा तो आपको वो काम बंद कर देना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आप 50 मिनट वाला करना है तो 10 मिनटों का ब्रेक लेना ही लेना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर इस तरह से करोगे तो आप बहुत अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। और अननेसेसरी जो आप भ्रमित करने वाले मेडिकेशन और उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो जो आपको कोई बताता है, तो उससे बच के रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमको ज़रूर बताइए, और अगर इस पे इस तरह के और टॉपिक्स के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमें बताइए कि किस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।